समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जिले के बेनीगंज विकासखंड कोथावा के ग्राम पंचायत कोरोकला में इन दिनों स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। गांव में घरों के चारों तरफ गंदगी का आलम है। गांव के तमाम ग्रामीणों ने बताया कि गांव की सड़कें नालियां गंदगी से भरी पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग गंभीर बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। गांव में महीनों से सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से गांव में आने जाने में लोगों को परेशानियां हो रही। गंदगी से भरी बड़ी नालियां लोगों के लिए मुसीबत बन रही। लोगों को आने जाने में मलमूत्र से भरे कीचड़ से गुजरना पड़ रहा, तो वहीं छोटे मासूम बच्चे घरों से बाहर निकलने के लिए भी तरसते नजर आ रहे। बड़ी बात तो तब देखने को मिली जब गाँव के बीच एक मांगलिक कार्यक्रम होने का है। ऐसे में आसपास बजबजाती नालियों को साफ करने के लिए एक नाबालिग स्वयं मैदान में उतरा दिखा। हाथ में फावड़ा ले नालियों को साफ कर रहा था। पूछे जाने पर बताया कि हम सभी को समय समय पर ऐसी ही सफाई खुद ही करनी पड़ती है। भले ही स्वच्छता अभियान देश में सफल हो, तो स्वच्छता अभियान के तहत देश स्वच्छता की ओर बढ़ रहा, लेकिन गांव का नजारा देख ऐसा लगता है कि स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों पर ही सफल हो रहा, बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। पिता का नाम? लालताप सर। गांव कौन सा है? कोरोकला। क्या समस्याएं हैं? समस्या यही देखो, नाली में कितना कचरा भरा हुआ है, कभी साफ ही नहीं होता है। आते हैं वो बस ऊपर ऊपर हटा के चले जाते हैं, खाते भी नहीं है। चलो कचरा उठाना तो चाहिए, पूरा साफ होना चाहिए नाली। निकाल के जाते कचरा, उठाते भी नहीं। अरे कब से ऐसा कच चल रहा है? अरे ये काफी दिन से चल रहा है। आधी नाली साफ होते आधी ऐसे छोड़ के चले जाते। दादा क्या पूरे गांव में यही स्थिति है क्या? पूरे गांव में, गांव मेन रोड पर जो घास फूस हटा भी देता है और कहीं हटाता ही नहीं। तो कैसे आप लोग रहते हैं? इससे तो बीमारियां हो सकती हैं। तो बीमारियां का करे, कार्यक्रम इतनी गंदगी है, चारों गज बदबू आ रही है, जीना बेकार है। कभी यहाँ प्रधान वगैरह नहीं आते हैं? प्रधान तो आते हैं, कोशिश कर, लेकिन प्रधान कोशिश करते थे लेकिन वो आते नहीं। नहीं, प्रधान अगर कोशिश करते तो ये स्थितियाँ कैसे होती, ये भी तो सवाल है। नहीं, प्रधान हमारा ठीक है। प्रधान ठीक है, मैं ये नहीं कहता आपके प्रधान गलत हैं, लेकिन प्रधान पंचायत का अध्यक्ष होता है, वो प्रयास करेगा। चूंकि सफाई कर्मी की जो सैलरी होती है वो प्रधान ही सिग्नेचर करता है, तभी उसको मिलती है। आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, तो वही अगर उन लोगों की खत्म हो, कौन खत्म हो गया? पंचायत मित्र। पंचायत मित्र नहीं होता है, सफाई कर्मी होता है यहाँ के लिए। सफाई कर्मी एक बार तो बल्दी करा ले चला गया, तो मजबूरी करें। तो क्या ग्राम पंचायत में कोई सफाई कर्मी नहीं है क्या? अब यहाँ पक्का ना, वो तो बल्दी करा लिया जिन पुरान रही है। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।